हाँ जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फासला टेक। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक, ऐसे दो नाम हैं इस पोल्यूशन के। और ये नया नवेला जो है वो पोल्यूशन है, अभी रिसेंटली जो है वो ये होना स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली एज इन के पिछले 10-15 सालों से। तो स्कूल में, कॉलेजेस में हमने जो है वो बहुत तरह के पोल्यूशंस पढ़े हैं, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और ऐसे बहुत सारे हैं और इनके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन ये प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो नैनो प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये हमने कभी नहीं सुना होगा, आपने शायद ही सुना होगा। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीन क्या है कि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, इनिशियल स्टेजेस में ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक तरह से आपको समझाने के लिए है, नैनो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बेसिकली है क्या और कैसे होता है, ये कैसे फैल रहा है और कैसे ये हमारी लाइफ को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, या फिर कह लो नैनो प्लास्टिक पोल्यूशन। वो चीज़ क्या है, वो किस चीज़ का नाम है, क्या कैसे फैलता है ये पोल्यूशन जो है वो, कैसे इतना जो है वो अभी रीसेंट ईयर्स में ही जो है वो इतना ज़्यादा कह लो कि ये डेवलप हो गया है हमारे अर्थ के ऊपर, के हमारी लाइव्स को अफेक्ट करना अभी इसने स्टार्ट कर दिया है। तो प्लास्टिक जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में ऐसी हैं जो यूज़ करते हैं और वो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। और जैसे कि ये पेन ही देख लो आप, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना। और जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो ये तो हम लोग तोड़ ही दिया करते थे ना दांतों से। तो एनीवे, कोई भी चीज़ आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो या तो प्लास्टिक की बनी हुई होती है या तो प्लास्टिक में लिपटी हुई होती हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स लेके आते हैं प्लास्टिक के कैरी बैग में लेके आते हैं, सब्जियां वगैरह कुछ भी लगा लो आप कैरी बैग्स जो हैं वो प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो टिपिकल झोला होता है ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े का वो यूज़ करते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना ज़रूर। प्लास्टिक जो है वो हम प्लास्टिक से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो अभी जब हम उसको कचरे में फेंकते हैं उस प्लास्टिक को, ठीक है, तो वो या तो ज़मीन के नीचे डंप किया जाता है या फिर समंदरों में डंप किया जाता है कुछ कंट्रीज़ में। तो इससे क्या है कि जो प्लास्टिक है वो टूटता रहता है, डिकम्पोज तो होता नहीं है, क्योंकि आज तक दुनिया में जितना भी जो प्लास्टिक बनाया है दुनिया ने, शुरुआत से लेकर जब तक, जब से प्लास्टिक की इन्वेंशन हुई है, वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है और वो वैसे का वैसा ही है, ज़मीनों में गड़ा हुआ है या फिर पानी, समुंदर के पानी में है, तो अलग अलग जगह पर है लेकिन अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है और ना ही ये होता है काफ़ी हज़ार सालों तक। तो सीन क्या है कि वो जो प्लास्टिक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जैसे कि अभी ये है, मान लो कि इसको फेंक दिया तो हो सकता है कि जब इसको कहीं और कैरी किया जाए तो ये टूट जाए, ये अलग हो जाए, ये जो है वो ये निकल जाए। तो हो सकता है कि ये ऐसे, इसको जो कह लो कि प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट्स होते रहेंगे और वो छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो मिट्टी में घुल जाते हैं। मिट्टी में घुलने के बाद जो है वो उसको कुछ जानवर खा लेते हैं, जैसे कि मुर्गियां वगैरह कह लो कि मिट्टी से, क्योंकि मुर्गियां जो है वो काफ़ी चीज़ें खा लेती हैं, कांच वाच पत्थर वत्थर भी खा लेती हैं, तो वो प्लास्टिक भी ऑब्वियसली खा ही लेंगी। तो उसके बाद क्या है कि वो उनके पेट से डाइजेस्ट होकर बाहर आएगा, फिर से जो है वो मिट्टी में घुल जाएगा। उसके बाद जो है वो और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, मैक्रो प्लास्टिक से पहले माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, माइक्रो प्लास्टिक से और छोटा होते होते ये नैनो प्लास्टिक बनेगा, उसके बाद ये जो है वो मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर कह लो कि समंदर के पानी में डंप किया है अगर कचरा, तो पानी में जो है वो घुलना शुरू हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में और वो जानवरों द्वारा जो है वो खा लिया जाएगा। और ऐसे ही जो है वो करते करते ये हमारी फूड चेन में जो है वो ऐड होता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लो कि पहले फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमारी फूड चेन में अभी ऐड ऑन होते जा रहे हैं, जैसे कि यूरिया जो है वो फसलों में पड़ता है, फर्टिलाइज़र है, और वो पड़ते पड़ते जो है वो अभी हमारे फूड सोर्सेज में आते गया। फूड सोर्सेज के बाद जो है वो हमने जैसे जैसे उसको खाना कंज्यूम करना शुरू किया, वो होते होते हमारी फूड चेन का एक हिस्सा बन गया है और इसी की वजह से कई प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई हैं हमें, जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह लोगों में प्रॉब्लम रहती है। तो अभी जो है वो माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं, तो पानी में घुल जाता है, पानी के जो जानवर हैं, मरीन जो लाइफ है, पानी में रहने वाले ओशनिक जो एनिमल्स वगैरह, उसने खा ली, ठीक है, उसने ये माइक्रो प्लास्टिक जो है वो फिश के अंदर चला गया, मुर्गियों के अंदर चला गया, मुर्गियों से उनके अंडे के अंदर चला गया, पौधे जो है वो उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया, तो सब्जियों वगैरह में चल गया। तो आप अगर सपोज़ करो तो बहुत ज़्यादा छोटे जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, आपको माइक्रोस्कोप से देखेंगे इतने छोटे पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ,
तो वो अब्सॉर्ब होने के बाद जो है वो फूड चेन में ऐड हो जाएंगे, हम वो सब्जियां खाएंगे, वो अंडे खाएंगे, वो मुर्गियां खाएंगे, वो मछलियां खाएंगे, तो वो धीरे धीरे जो है वो इंसानों के अंदर ये नैनो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो इंसान के पेट के अंदर जाना शुरू हो गए हैं, और ऐसा करते करते ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, ये हमारी फूड चेन का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं, और फूड चेन का हिस्सा बनते बनते ये हमारे बॉडी का भी एक हिस्सा बनते जा रहे हैं, और हमारे अंदर ऑब्वियसली क्या पता हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, और हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में कहीं एक पॉइंट पे डिपॉजिट होते रहें या फिर इकट्ठे होते रहें आप समझ लो, और बाद में जाके कई बीमारियों को ये कह लो कि पैदा कर सकते हैं इंसान के अंदर। और ये है सारा इस माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन का, नैनो प्लास्टिक पोल्यूशन का जो है वो एक्सप्लेनेशन। और अभी रिसेंटली क्या है कि कुछ बहुत सारी खबरें इसके बारे में निकल कर सामने आ रही हैं, और रिसर्चर्स जो हैं वो इस पर इसके नुकसानों के साथ साथ इसको कैसे कम किया जा सके, इसको कैसे रोका जा सके, उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो वो भी रिसर्च वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम सामने आती रहती है, और मैं आपको उसके बारे में भी बताता रहूँगा। और कई सारे जो है वो तरीके ढूंढ रहे हैं जो रिसर्चर्स हैं कि कैसे इस माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन को रोका जाए, जिनमें से एक है कि पानी में अगर घुल जाए माइक्रोप्लास्टिक के कण जो है, डेमोंस्ट्रेशन भी साथ साथ में देख लो वीडियो में आप, तो उसको मैग्नेट की जो है वो मदद से अलग किया जा सकता है पानी से। पता नहीं मैग्नेट और प्लास्टिक को कैसे जो है वो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेट जो है वो प्लास्टिक इस वीडियो में आप देख सकते हो, तो लिटरली वो अपनी ओर खींच रहा है, तो आप देख सकते हो। और कई सारे और भी तरीके हैं, जैसे कि एक लड़की है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और उसके ऊपर वीडियो भी अभी पेंडिंग है, तो उसने एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया है जो कि प्लास्टिक को खाता है और उसको डीकम्पोज कर देता है और उसको बायोडिग्रेडेबल बना देता है, तो उसके ऊपर भी अभी मैं वीडियो करूँगा, अगर हो गई होगी तो यहाँ पे आई बटन आपको मैं दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।